कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के सामने भारत का अपमान किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सारी हदें पार कर दी। राहुल गांधी जिस देश और संविधान पर भाषणबाजी करते हैं, जिस तिरंगे पर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, यहां खूब झंडा लहराया गया, उसकी इज्जत उनके ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नहीं कर पा रहे हैं। आइए आज इस सबसे अहम खबर के बारे में आपको बताते हैं। ये खबर देश के हर व्यक्ति के लिए है। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये महज खबर नहीं है बल्कि एक बड़ा अल्टीमेटम है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज, मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बुधवार सुबह गांधी भवन में महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें नमन करने पहुंचे थे, लेकिन शायद वो इस बीच भूल गए कि भारत का सम्मान कैसे किया जाता है। वो ये भी भूल गए कि जिस तिरंगे के लिए देश के जवान सीमा पर खड़े हैं, जिस तिरंगे के लिए हम और आप मरते हैं, उसी तिरंगे का अपमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के सामने हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ता को सूझ नहीं रहा। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल है, जिस पर अब विवाद हो गया है। बीजेपी ने भी यहां कांग्रेस को घेरा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक कांग्रेस कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पैरों से जूते उतार रहा है। महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम भी जूता उतरवाते हुए इसको नजरअंदाज करते दिखे। इस दौरान उस कार्यकर्ता के हाथ में जो तिरंगा दिख रहा है वो जमीन से टकरा रहा है। ये देखकर एक अन्य व्यक्ति ने कार्यकर्ता के हाथों से झंडा हटाया और उसे अपने हाथ में ले लिया। ऐसे में राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के मन में देश के लिए कोई सम्मान नहीं है और वो राष्ट्रीय ध्वज का भी सम्मान नहीं करती है। बीजेपी कर्नाटक ने कर्नाटक के सीएम को घेरते हुए कहा कि जो राजनीतिक जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, उन्हें कुर्सी बचाने की चिंता है, इसलिए वो राष्ट्रीय ध्वज थाम कर भी मंत्रमुग्ध है। मौजूदा वक्त में कांग्रेस के किसी भी वरिष्ठ नेता ने इस पर आपत्ति नहीं जताई है, राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर प्रियंका गांधी। अब तक कांग्रेस ने चुप्पी साधी हुई है। ऐसे में आप देशवासियों से मेरा सवाल है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है, और सीएम सिद्धारमैया के इस वायरल और विवादित वीडियो पर कांग्रेस के आलाकमान की चुप्पी पर आप क्या कहेंगे? जवाब कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम इंतजार करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए एचसीएन न्यूज़। धन्यवाद।